अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन आप लोग देख रहे हैं आसिम आसम प्रोडक्शन वंस अगेन मेरे साथ सिम आबनी जो कनाडा में सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और अनायतुर रहमान एजुकेशन एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं कनाडा से हम लोग इस वक्त आपके साथ बात कर रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक एक आप कह लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आपका एक कंसर्न भी होता है सबसे ज़्यादा आपका एक क्वेश्चन होता है कि अगर लेट सपोज आपने विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था कैनेडा अगर आपने स्टडी परमिट में अप्लाई किया था अगर आपने कोई और प्रोग्राम में कैनेडा में अप्लाई किया और आपको आपका वो वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो चुका है और आप लोगों को लगता है कि अब रिजेक्शन के बाद आपकी जो फाइल है वो ख़राब हो चुकी है आपका पासपोर्ट ख़राब हो चुका है आपके अब कोई चांसेस नहीं बनते आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते या अगर आपने यूके का वीज़ा लगाया था वो आपका रिजेक्ट हो गया तो कनाडा का आपका नहीं लग सकता अगर आपने कनाडा का वीज़ा लगाया था, यूके का आपका वो नहीं लग सकता तो इस बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे नए से बात करेंगे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपका स्टडी परमिट का या विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते देखिए मुझे ये लगता है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि एक फ़िक्शनल बात है आई hmm? थिंक कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो जो आपकी करंट फाइल है वो जिस तरह से आपने बनाई हुई है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनका ऑर्डर है वो अगर रिक्वायरमेंट्स मीट करता है जो पुरानी रिजेक्शन के क्लॉजेस हैं अगर उन, उनको आपने काउंट किया है जो रीजंस उन्होंने दी थी अगर उसके साथ वो आपने कवर लेटर लिखा है जिसमें वो रीजंस को डिनाई किया है hmm. या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जिनसे वो रीजंस वॉइड होती हैं तो बहुत सारा चांस होता है कि आपका सेकंड टाइम लगा अप्लाई करने में वीज़ा लग जाए बहुत दफ़ा ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं जिनके टू टू रिफ्यूजल्स थे थर्ड टाइम पे उनको मिल गया तो बेसिकली जो मेरा आइडिया है और जो मेरी नॉलेज है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर वीज़ा ऑफिसर ज़्यादा उस बारे में कंसर्न है जो फाइल उसके सामने पड़ी हुई है अगर स्ट्रॉन्ग फाइल है प्रॉपरली बनी हुई है Uh, सब कुछ उसमें ठीक है सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं तो पुरानी रिजेक्शन द डू नॉट मैटर इन सेइंग दैट ये ज़रूरी है कि जो पुराना रीज़न था रिजेक्शन का hmm. उसको आपने कवर किया हो या अगर वो गलत था तो उसको एक्सप्लेन किया हो कि वो रीज़न क्यों गलत है और उसके बारे में आप क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं सेम विद विजिट वीज़ा आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती हैं hmm. कभी कभी आपको कहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फंड्स की वजह से कर रहे हैं या इसट्स नहीं है, वट्स एवर तो अब वो सिचुएशन चेंज हो जाती है आप थोड़ा साल बाद आपने ट्रैवल भी कर लिया आपके फाइनेंस भी अच्छे हैं ओवरऑल आपकी प्रोफाइल ठीक हो गई आप अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा लग जाएगा तो सिचुएशन के साथ साथ जो रेट है एक्सेप्टेंस और रिफ़्यूज़ल uh, का वो चेंज होता रहता है और एक बार का डिनाइड वीज़ा ये नहीं है कि कभी भी फिर आपका कैनेडा का वीज़ा नहीं लग जाता ले लग सकता है लेकिन लोग वाकई डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे पास एक रिफ्यूज़ल है तो अब हमारा वीज़ा नहीं लगेगा नहीं लगेगा बहुत सारी एग्जाम्पल हैं हम कई लोगों को जानते हैं जिनके जानता हूं में वीज़ा रिफ्यूज हो चुके हैं वो आए हैं यहाँ आए हैं वो स्टडी कर रहे हैं आपके कई फ्रेंड्स हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सॉरी मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ शजी नायत आप जानते होंगे आप शजी हमारा जो दोस्त है पाकिस्तानी शजी यूट्यूबर उसका नाम भी चैनल भी है उसका वो पाकिस्तानी भाई उसका जी पहले वो ऑस्ट्रेलिया गया था उसका कैनेडा का दो दफ़ा स्टडी परमिट रिजेक्ट हुआ है तीसरी दफा उसने अपनी दोबारा फाइल तैयार किया दोबारा अच्छे से उसने सारी चीज़ें प्रजेंट किए एस ओ पी फंड वगैरह सारी चीज़ें करके दोबारा उसका वीजा लगाया तो शजी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मैं यहाँ पे थोड़ी सी

बिल्कुल वही है इसमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है तो अगेन जैसे उन्होंने कहा कि आपके एसेट्स में मसला है आपके फैमिली टाइज में अगर इमिग्रेशन ऑफिसर करता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कुछ इस तरह है आप जो भी गलतियां उसको ठीक करते हैं अप्लाई करते हैं तो शादी की एग्जाम्पल दी स्टडी गैप की दिक दिक करते हैं, बस आपने जो ना वो घबराना नहीं है इमरान खान वाला घबराना तो नहीं है नहीं नहीं ये दूसरा वाला है ठीक है आपने घबराना नहीं है बाकी अल्लाह ने तो हम आपको काम कर लेंगे महंगाई से मेरी फैमिली बड़ी घबरा रही है पाकिस्तान में वो मुझे नहीं पता वो आप कितना घबरा रहे हैं बट ये अगर आपकी अल्लाह ना करे गॉड फॉर अगर आपकी रिजेक्शन हो चुकी है तो डेट डज़ नॉट मैटर अपनी फ़ाइल को दोबारा स्ट्रांग बनाएं देखें वीज़ा ऑफ़िसर का मैं थोड़ा सा इतना मैं समझ सकता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर ऑलवेज़ इंक्रेज करता है कि एक बंदा अगर गिरा है तो दोबारा से ख़ुद को उठा रहा है दोबारा अपनी फ़ाइल इंप्रूव कर रहा है तो इस तरह के लोग तो कैनेडा में चाहिए कि जो लोग मेहनत करके दोबारा अपने आप को खड़ा करना जानते हैं तो मेरे ख़्याल में आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं अपनी जरूर कोशिश जारी रखें और हम लोग आप लोगों को बिल्कुल कैमरा देखना चाहते हैं आप लोग आए हमारे साथ खड़े हों अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ वीडियो में हाँ कम्यूनिटी बढ़ाएं बिल्कुल चाहे आप इंडिया से हैं चाहे आप पाकिस्तान से दुबई बांग्लादेश कहीं से भी हैं आप लोग बिल्कुल दोबारा अप्लाई करें और यहाँ पर हमसे ज़रूर मिलें तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में असल्